राहुल गांधी के भाषणों में एक ही मुद्दा जबान पर रहता है, सिर्फ विजय माल्या, मेहुल चौकसी और राफेल मुद्दा। इन कारोबारियों को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी जमकर निशाना साधते रहते। विजय माल्या 9,500 करोड़ रुपए चोरी करके लंदन चला जाता है। जाने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली उनसे मिलता है पार्लियामेंट हाउस में। 9,500 करोड़ रुपए के चोर को हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में मिलता है, चोर विजय माल्या से कहता, अरुण जेटली से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूं। अरुण जेटली के हाथ में सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अरुण जेटली फोन उठाकर सीबीआई के किसी अफसर को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के किसी अफसर को, पुलिस के किसी अफसर को फोन नहीं करता। 40 मिनट की मीटिंग होती है, विजय माल्या चला जाता है खुल के। फाइनेंस मिनिस्टर कहता, हां, जाने से पहले 9,500 करोड़ रुपए के चोर ने मेरे साथ मीटिंग की, मैं मिला। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, 9,500 क्या, 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। मतलब जितना पैसा मनरेगा में कांग्रेस पार्टी ने एक साल के लिए डाला, उतना पैसा नीरव मोदी लेकर भाग गया। प्रधानमंत्री उसे मेहुल भाई, नीरव भाई कहते हैं, और मेहुल भाई की और अरुण जेटली की बेटी का रिश्ता है। लाखों रुपए मेहुल भाई ने आईसीआईसीआई के बैंक अकाउंट, अरुण जेटली के बेटे के बैंक अकाउंट में डाला। राहुल गांधी के भाषणों में एक ही मुद्दे को सुन सुन के लोग पक चुके हैं। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।